नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। खबरों की शुरुआत एक बार फिर धनबाद से करनी पड़ेगी, क्योंकि धनबाद में कोलाहल मचा है। धनबाद में जहां एक तरफ क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, वही तरफ दूसरी तरफ पुलिस की जांच जो है वो पब्लिक और अब तो जनप्रतिनिधियों के भी सर से ऊपर निकल जा रही है कि आखिर जांच हो कैसे रही है। अभी ताजा खबरें जो आ रही है, धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिख दिया है। उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखकर धनबाद के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। जो सबसे बड़ी आपको बात बता दें कि धनबाद में कोयले के अवैध खनन का मामला तूल पकड़ा हुआ है। करीब 50,000 लाख करोड़ से 1 लाख करोड़ तक की राशि की कोयले की अवैध खनन की बात आ रही है। कोयले की काला बाजारी की बात आ रही है, कोयला अवैध तरीके से बेचने की बात आ रही है। इसमें कई बड़े लोगों के संलिप्तता की बात आ रही है। दूसरी तरफ क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ फहीम खान का आतंक सर चढ़कर बोल रहा था, अमन सिंह का आतंक सर चढ़कर बोल रहा था, वहीं अमन सिंह के हत्याकांड के बाद एक तीसरा चेहरा उभर कर सामने आ गया है, आशीष उर्फ छोटू सिंह और रिंकू सिंह का चेहरा। ये जो ऑडियो आशीष ने वायरल किया, उस ऑडियो के वायरल करने के बाद धनबाद से लेकर राजधानी तक में हड़कंप है। ये नया चेहरा आ गया है। जो सूचनाएं मिल रही हैं कि व्यवसायियों को भी फोन कॉल जाने शुरू हो गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि FIR नहीं दर्ज कराई गई है किसी तरह की। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आई गई धनबाद जेल की सुरक्षा, वार्डों को किया गया सील, कैदियों के बाहर निकलने पर रोक। आरोपी सुंदर महतो ने अमन सिंह की हत्या की बात कबूली। धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के बाद प्रशासन ने जेल की सुरक्षा बढ़ा दी है। जेल में सभी वार्डों को सील कर दिया गया है, वहीं कैदियों के बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं, लगातार जेल में छापेमारी की जा रही है। मंगलवार को जेल में छापेमारी के दौरान महिला वार्ड से एक मोबाइल मिला। यही नहीं, महिला बंदी मालती टुड्डू के पास 16 GB का पेन ड्राइव भी मिला। लेकिन पूछताछ में मालती ने बताया कि यह पेन ड्राइव सलोनी सिंह ने उसे दिया था। सलोनी सिंह अमन सिंह की करीबी थी। वहीं अमन सिंह की हत्या के बाद धनबाद जेल में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई थी। इस दौरान कैदियों ने वार्ड संख्या 3 में लगे TV को तोड़ दिया था। इधर अमन सिंह की हत्याकांड के आरोपी सुंदर महतो से पूछताछ जारी है। सुंदर महतो उर्फ रितेश यादव की सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई। इस बीच धनबाद सांसद पीएन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है और धनबाद में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं से अवगत कराया। पीएन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप कर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को धनबाद जेल में अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसे लेकर धनबाद मंडल कारा के जेलर मोहम्मद मुस्तकिम अंसारी को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं 2 कक्षपालों की संविदा रद्द और 5 कक्षपालों को निलंबित कर दिया गया। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक की रिपोर्ट। अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी। अमन सिंह एक कुख्यात अपराधी था। अमन सिंह की मौत के बाद जो हड़कंप मचा हुआ है वो इसलिए मचा हुआ है क्योंकि अमन सिंह की हत्या जेल के भीतर भारी सुरक्षा के बीच कर दी गई। अमन सिंह की हत्या के बाद वहां गैंगवार की भी स्थिति बन गई। जो नई ताजा जानकारियां आई उसके हिसाब से गैंगवार की स्थिति हो गई। 2 गुटों में झड़प हुई, पुलिस को हथियार तक बरामद नहीं हुआ। 24 घंटे लग गए हथियार बरामद होने में। हथियार बरामदगी भी जो हुई, जो सूचनाएं मिल रही हैं कि हथियार भी जेल के बाउंड्री के बाहर से मिला है। अब इस पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि किसी अधिकारी की नहीं आई है, लेकिन अगर हथियार जेल की बाउंड्री के बाहर से मिला है तो फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि जेल के भीतर अस्पताल के वार्ड में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इतनी आसानी से अपराधी निकलते हैं और हथियार को भी ठिकाने लगा देते हैं। 24 घंटे का समय लेते हैं हथियार बरामदगी में। 24 घंटे के समय का मतलब है कि हथियार से कई तरह के सबूत, साक्ष्य, तथ्य जो कह ले उनको मिटाए जा सकते हैं। ये जो भी पुराने पुलिस पदाधिकारी हैं या न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग हैं वो बेहतर जानते हैं कि हत्या के बाद, वारदात के बाद जितनी जल्दी हथियार रिकवरी होती है सजा के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं।
सुंदर महतो पर आरोप तो तय हो गया, सुंदर महतो ने अपना कबूलनामा भी दे दिया, सुंदर महतो ने स्वीकार कर लिया कि हत्या उसने की है, उसने ही गोली मारी अंधाधुंध। लेकिन हत्या के कारणों पर सुंदर महतो कुछ भी कहने से कतरा रहा है, ना उसने पुलिस के सामने कुछ कहा, ना जेल प्रशासन के सामने कुछ कहा, ना ही सीआईडी के सामने कुछ कहा। सुंदर महतो की यह चुप्पी एक दहशत है, सुंदर महतो डर रहा है बोलने से। छोटू सिंह, रिंकू सिंह कौन है, इनकी आपराधिक वारदात का क्या कहानी है, क्या कहानी इनकी रही है। और अब इसमें एक नया नाम जुड़ गया है, सलोनी सिंह। धनबाद के महिला बैरक से कई तरह के पेनड्राइव मिले हैं और कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें एक नाम उभर कर आया है, सलोनी सिंह। इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे सहयोगी अशोक के साथ, जो सीधे धनबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, सलोनी सिंह कौन है, क्या इनकी आइडेंटिफिकेशन है, क्या आइडेंटिटी है सलोनी सिंह की, कहां की हैं और कैसे करीबी हुई अमन की, क्या ये अमन सिंह की प्रेम कहानी कही जा सकती है? बिल्कुल, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। अभिषेक, देखिए, जो सलोनी सिंह है वो रहने वाली है बोकारो जिला के हरला थाना क्षेत्र इलाके की। जब इसका अपराध की जगत की दुनिया में जब कदम रखा अमन जब कदम रखा तो उसके बाद जो है उसके संपर्क में आ गया। वो एक स्कूटी कंपनी में काम करती थी और उसी के क्रम में उससे आता जाता था, अपनी गाड़ी को बनवाता था। उसी समय उसके जो है उससे दोस्ती इतनी बढ़ गई कि जब पैसा का लेन देन हो या हथियार रखना हो उसी के पास रखने का वो प्रयास करता था। और तमाम चीजें जो है एक तरह का एक है कि एक मालकिन उसकी हो गई थी। और यह कही जाती थी कि जो यह कहेगी वही अमन करेगा। तो यानी कहीं ना कहीं जो है उसका भी दहशत पूरी तरह से कायम था। उसी क्रम में जो है आर्म्स एक्ट के मामले में जब यह जेल गया अमन, तो उसी मामले में आर्म्स एक्ट के मामले में वो भी जेल आ गई। तो जो आज जेल में बंद है। और यह कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे और जब तक बातचीत नहीं होती थी तब तक लोगों को चैन नहीं आ पाती थी। तो और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह प्रेम प्रसंग था, और इसकी जानकारी अमन के पत्नी को भी थी और अमन के परिजनों वालों के घर वालों को भी थी, लेकिन लोग विरोध इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो तो जेल में खुद बंद था। तो जेल में एक जो है समय पास होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो यही कारण था कि जो है उससे सलोनी सिंह के बारे में, अशोक, सलोनी सिंह के बारे में एक और जानकारी मिल रही है कि सलोनी सिंह उस अपराधी की रिलेटिव है, चचेरी या ममेरी बहन बताई जा रही है, जो छोटू सिंह का बहुत करीबी माना जाता है, जो हत्या के बाद वारदात की जिम्मेदारी जिस आशीष उर्फ छोटू ने ली है, उसका बहुत करीबी शातिर अपराधी जो है वो सलोनी का रिश्तेदार बताया जा रहा है। अशोक, बिल्कुल, देखिए, अभी तो ये हम लोग के सामने खुल कर नहीं आया, लेकिन कई कई मामले आ रहा है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया है, जो हमारी पुलिस सूत्रों से जो बात हुई, जेल सूत्रों से जो लगातार जो हमारी बात हुई है, प्रथम दृष्टया यही आया है कि उसने एंड्रॉयड मोबाइल भी दिया था, उसे सिम भी दिया था, पेन ड्राइव भी दिया था। जो पेन ड्राइव जो पकड़ा गया है तो एक है मालती टुडू करके है, उसके पास से पकड़ा गया था क्योंकि एक हत्या के मामले में भी उसी महिला वार्ड में बंद है। तो लोग यही बता रहे हैं कि उसकी वो कहीं ना कहीं जो कथित प्रेमिका थी और पूरा पैसा उसके प्रति वो खर्च करता था। तो ऐसा लोग नहीं बता रहा कि उसका कोई रिलेटिव है। ये अंदर का मामला है, अगर रिलेटिव होगी तो अंदर का मामला है, तो जांच का विषय है। लेकिन इस मामले में भी जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जांच में जुट गई है। अब जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर वो कौन सी है। तो हमने उनके परिजनों से भी बात करने का प्रयास किया, हमने उनके दोस्तों से भी बात करने का प्रयास किया। उन लोगों ने ही बताया था कि कोई ना कोई महिला है, उस महिला के पीछे जो है अमन पैसा खर्च करता था और यह कहता था कि वो मेरी सब कुछ है। तो वो भी जेल में बंद है, तो उसका नाम अच्छा, उसमें आ रहा था। अशोक, महिला की बात तो हुई, लेकिन आज जो सूचनाएं आ रही है, सांसद पीएन सिंह ने भी गृह मंत्रालय को पत्र लिख दिया है, अमित शाह को पत्र लिख दिया है और धनबाद के मामले में हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। क्या हस्तक्षेप चाहते हैं सांसद साहब?
बिल्कुल देखिए, जिस तरह धनबाद में अपराध बढ़ा हुआ है, कोयले को लेकर पूरी तरह से अपराध बढ़ा हुआ है, इसको लेकर लगातार जो है विपक्ष आंदोलन भी कर रहा है। और सांसद ने साफ तौर पर जब जनाक्रोश रैली जब निकला हुआ था उसमें बाबूलाल मरांडी आए थे और खुद सांसद महोदय ने कहा था कि जो पूरी तरह से अपराध बढ़ा हुआ है इसको लेकर अगर राज्य सरकार सही नहीं करती है, इस अपराध को खत्म नहीं करती है तो इस मुद्दे को हम गृह मंत्री के समक्ष रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच हमारे साथ अमन सिंह के भाई अजय सिंह भी जुड़ गए हैं, हम अजय से भी बात करते हैं। अजय, आज अमन सिंह का दाह संस्कार हो गया, हत्या की जिम्मेदारी जो है वो छोटू सिंह और रिंकू सिंह ने ली है, क्या मामला, इन दोनों के बीच विवाद क्या था जबकि दोनों एक ही गैंग के हैं? अजय जी, ये इसमें जो है रिंकू सिंह गद्दार किस्म का आदमी है, ये जो है पहले जो है सारा अपराध यही करवाता था, अमन सिंह का नाम ये यूज करता था। अमन सिंह जब मना कर दिए, आखिर जब इससे जो है अपना नाता तोड़ना चाहे तो आखिर में जाके ये इस घटना को ये अंजाम दिलवाया है। तो रिंकू सिंह अगर सारा काम करवाता था अजय, तो फिर अमन सिंह जो कुछ दिनों पहले बोकारो में सलोनी गिरफ्तार हुई, चर्चा तेज थी कि अमन का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट का काम रिंकू सिंह ही करता था और छोटू सिंह ही करते थे। नहीं, इस चीज में जो है पुलिस विभाग जो है अपना जो है सारा जो है क्या नाम है जांच पड़ताल की है, कहीं से कुछ एक पैसा कहीं से पुलिस को मिला नहीं, रंगदारी का कोई पैसा पुलिस को बरामद नहीं हुआ, कोई नहीं। अमन सिंह कब से अपराध के दुनिया में उतरा आ जाए, आखिर उसके ऊपर हत्या समेत 50 से अधिक मामले दर्ज हैं झारखंड में और कोयलांचल के लिए आतंक का पर्याय बन चुका था अमन सिंह, कई लोग उसके दुश्मन थे, फिर आपका सीधा शक, परिवार का सीधा शक छोटू सिंह और रिंकू सिंह पर क्यों है? ऐसा है, यही दोनों लोग जो है जब से रिंकू सिंह ही उसको जो है धनबाद भेजे थे, रिंकू सिंह ही धनबाद ले जाकर उसको फंसा दिए, रिंकू सिंह ही सारा अपराध कराते थे, रिंकू सिंह ही सारा उसके अपराध के सारे जिम्मेदार रिंकू सिंह ही है। मुन्ना बजरंगी का करीबी रिंकू था या अमन सिंह था? क्योंकि नीरज सिंह हत्याकांड में मुन्ना बजरंगी ने 1 करोड़ की सुपारी उठाई थी जिसमें से सूचना है कि 50 लाख रुपए अमन सिंह को भुगतान किए गए थे, ये सरासर गलत है। और मुन्ना बजरंगी रही बात मुन्ना बजरंगी, तो मुन्ना बजरंगी के सब खासों में से खास जो है रिंकू सिंह था, ना कि अमन सिंह थे। तो परिजनों का जो आपका आरोप है कि हत्या के पीछे पूरा मामला जो है वो रिंकू सिंह का ही है और चूंकि अब अपराध के दुनिया से अमन किनारा करना चाहता था इसलिए उसको मरवा दिया गया। हाँ, यही सही है। धनबाद पुलिस का कहना है कि हाल के दिनों में अमन के नाम पर जेल से अमन ने कई लोगों को फोन किया है, कई शिकायतें दर्ज हुई है, हत्या की बात है, गुजरात तक में सुपारी किलिंग कराई है अमन सिंह ने। हत्या गुजरात वाली जो है सब हत्या में रिंकू सिंह ही इन्वॉल्व है, ना कि अमन सिंह इन्वॉल्व है। ये सारे कांड रिंकू सिंह के द्वारा किए गए हैं, अमन सिंह इसमें इन्वॉल्व नहीं है कहीं भी। सारे काम, सारे जितने अपराध है रिंकू सिंह करवाते थे, 1 साल पहले हमको भी फंसा दिया था, मैं धनबाद जेल गया था, मुझसे धनबाद जेल में रिंकू सिंह से कहा सुनी हुई, यहां तक कि मारा पीटी की नौबत आ गई। आपको किस मामले में फंसाया गया था तू अजय? अजय, हमको रंगदारी पैसा लेन देन के मामले में फंसाया गया था। अशोक, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आप हमसे जुड़े हुए हैं अशोक? बिल्कुल बिल्कुल। अशोक, धनबाद में अमन सिंह का वर्चस्व चल रहा था, उनके भाई अजय सिंह हमसे जुड़े हुए हैं। अजय का कहना है कि अमन कांड नहीं करता था, कांड रिंकू सिंह करता था, कितनी सच्चाई है इस मामले में अशोक? इस तरह अजय रिंकू से हाथ मिलाया था अमन, उसके साथ 2010 में गांव में जब घटना घटी थी तो उसके बाद चंदा गांव का लेना चाह रहा था और उस समय इलाहाबाद में था रिंकू, और रिंकू से जाके उन्होंने संबंध स्थापित किया क्योंकि उस समय जब दर्शन कर रहा था अमन तो उसी समय उससे कहीं ना कहीं दोस्ती हुई, जब दोस्ती हुई तो फिर दोस्ती के बाद उन्होंने मुन्ना बजरंगी के पास गए, वहां से भी दोस्ती हुई, एक तरह की दोनों लोगों ने घूम जाना कि ये हमारे गुरु गए थे, इसी के क्रम में जो अपराध की जगत में लोगों ने कदम रखा और इस बात की जो तो परिजनों को भी ये जानकारी है कि आगे घटना का अंजाम कौन देता था, ये बताया जाता है कि एक तरफ झारखंड पुलिस के घर का तभी जैसी थी तो वहीं दूसरी तरफ एटीएस पुलिस और एसटीएफ पुलिस जो है उत्तर प्रदेश यहाँ पर धमक दे रही थी,
ये कहा जाता था कि आपने आपका भाई जो है घटना का अंजाम किया है, तो इनके बरकरार दिया जाता था कि जो है आपका भाई ने घटना का अंजाम किया। जब एफसीआर पूछा जाता था तो दूसरे अपराधी द्वारा कहा जाता था कि नहीं, ये तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अजय से सीधे पूछते हैं, अजय पुलिस की कार्यशैली क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी कि कांड रिंकू अंजाम देता और अजय और अमन के नाम पर एफआईआर दर्ज कराया जाता है? नहीं, पुलिस को जानकारी थी। पुलिस जो है, जब हमारी गिरफ्तारी हुई थी तो पुलिस जो है हमको टॉर्चर की, 2 दिन टॉर्चर किया गया हमको। मैं उसी समय बताया, हमने कहा देखिए उसमें जो है हमसे बार बार पूछा जा रहा था कि आशीष रंजन कहाँ है, 47 कहाँ है। मैं साफ बता, ना 47 हमको पता है ना आशीष रंजन पता है। तो पुलिस बार बार हमको प्रताड़ित करती थी, कहती नहीं आशीष रंजन तुम्हारे पास है, क्योंकि अमन का करीबी है। तो हमने कहा सर मेरे पास नहीं है, ना मैं जानता हूं, कभी ऐसा समय आएगा आप खुद जान जाएंगे कि आशीष रंजन किसका खास है। आखिर में देखिए 1 साल के बाद जो है खास मुफास, अगर अमन सिंह का उस खास था तो अमन सिंह के ऊपर ऐसा काम काहे करवाया। उसने जो ऑडियो वायरल किया है वो खुद को अमन सिंह का छोटा भाई बता रहा है और कह रहा है कि अमन सिंह मुझको मरवाना चाहता था, इसमें कितनी सच्चाई है जय? पूरा गलत है, पूरा 1% नहीं, 100% 200% गलत है। इस तरह की कोई बात नहीं है, कुछ कोई बात नहीं है। पुलिस का रवैया अभी आप लोगों के साथ क्या है, पुलिस से क्या जानकारियां मिली है आप लोगों को अभी तक हत्या की? ये सुंदर महतो कौन है ये भी बताया जा रहा है कि यूपी का है, क्या आप या आपके परिजन इससे पहले मिले हैं सुंदर महतो या ये जो यादव है? नहीं, कभी नहीं, कोई मतलब नहीं है, ना कभी जाने हैं ना सुने हैं। वहां क्या ना न्यूज के बाद पता चला है कि सुंदर महतो कोई है, वो भी 25 तारीख को सिलेंडर होता है, 3 तारीख को घटना करता है, वो भी रहने वाला प्रतापगढ़ की इलाहाबाद का कहाँ का है, लेकिन रिंकू सिंह का ही खास है ये भी पता चला है, क्योंकि रिंकू सिंह का घर जो है इलाहाबाद में ही है। अच्छा। और रिंकू सिंह क्या AK-47 वगैरह रिंकू सिंह रखता है, आपने देखा है ऐसा या आपसे रिंकू सिंह की मुलाकात है? नहीं, रिंकू सिंह से मुलाकात हमारी है। आप पहचानते हैं रिंकू सिंह को, उसकी तस्वीर वगैरह है आपके पास? हाँ, रिंकू सिंह की तस्वीर हमारे पास है। रिंकू सिंह को, अरे जब हम वहां जो है 4-5 महीने जेल में रहे, रिंकू सिंह के साथ में ही रहे, रिंकू सिंह दूसरे वार्ड में रहते थे, हम दूसरे वार्ड में रहते। क्या आपकी भी गिरफ्तारी बोकारो से हुई थी, जो 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? है, हमारी गिरफ्तारी पुलिस आई थी हमारे गांव से, हमको घर से ले गई थी। एक लड़की का नाम आता है अजय सलोनी का, सलोनी से आप मिले हैं, जब जेल में आप बंद थे तो सलोनी भी जेल में बंद थी, क्या आप जानते हैं सलोनी को? सलोनी हमारे निकलने के बाद सलोनी आई है, नाम सुने लेकिन इसको जानते नहीं। सलोनी अमन करीबी बताई जाती है और ऐसी सूचनाएं हैं कि सलोनी रिंकू सिंह के खास आदमी की अपनी बहन है, ममेरी बहन या चचेरी बहन है। आपको सूचना है इस बारे में? नहीं, ये सूचना हमारे पास नहीं। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद अजय आपका। अशोक, पूरे मामले में जो अजय की बात सामने आ रही है उससे ये साफ लग रहा है कि मामला भारी कंट्रोवर्सी का है। क्या वास्तव में अमन सिंह इस अपराध के दलदल से बाहर निकलना चाहता था, इसके लिए उसने कहीं लिखित कोई अर्जी कोई शिकायत की थी? अशोक, कोई जानकारी है आपके पास? जिस तरह अंदर में जो माहौल हुआ था, अंदर में जो तीनों जो लोगों तीनों रेपू हो, आशीष रंजन हो, तीनों लोगों के बीच एक अंदर में लड़ाई हुई थी और यहाँ तक की खूनी संघर्ष भी होने की सूचना है, तो उस तरह जिला प्रशासन ने मामला को संभाल लिया और एक ही शिकायत जो है तुरंत जिला इंस्पेक्शन ने सोची की जेल के अंदर में इस तरह का हो रहा है बवाल। तो उसी मामले में जो है बीच में रिंकू की जो है रिंकू की जमानत हो गई, रिंकू बाहर निकल गया और उसके बाद आशीष रंजन भी बाहर था। तो जब दोनों बाहर निकले और एक अंदर गए तो उस समय जो था बेकार संस्था में बना हुआ था अमन, यह कहा जाता था कि अमन जो है जो भी रंजानी का पैसा आता था, कोयले का पैसा हो या रंजानी का पैसा हो, उनका पिता जेल के अंदर ही हो। तो इन लोगों को कहने के उससे कटौती लग रहा था कि पैसे हमें कम आ रहा है और इसकी शिकायत जब अमन को की गई कि अमन पैसा कम आ रहा है, ऐसे नहीं काम चलेगा, कमर ने बोला कि मैं बैठ करता हूँ, मैं बेकार करता हूँ। चलिए अशोक, आपकी बातें हम तक पहुंच गई है। हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि अमन के परिवार का क्या कहना है,
अमन के भाई अजय सिंह कैमरे के सामने पहली बार आए, उन्होंने ये बताया कि अमन अपराध के दलदल से निकलना चाहता था और उसके नाम पर सारे कांड को अंजाम रिंकू सिंह देता था। इस मामले में कितनी सच्चाई है यह तो पुलिस जांच की बात है, लेकिन जब जहां तक कवायद इस गैंग की करे तो सारे लोग एक ही गैंग के बताए जाते हैं। रंगदारी का भारी पैसा कोयलांचल से उठ रहा था, करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो रहे थे, अवैध खनन कह लें या फिर कोयले की अवैध ट्रांसपोर्टिंग कह लें, करोड़ों में इसका खेल चल रहा था। कोयले के इस काले खेल में अपराधी के साथ साथ, अपराधियों के गैंग के साथ साथ कई सफेदपोशों के भी नाम कई बार सामने आ चुके हैं। विधायक से लेकर सांसद तक मांग कर रहे हैं कि धनबाद की कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, धनबाद में कानून व्यवस्था बेहतर करने की जरूरत है और शायद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़े। यहां परिजन भी मांग कर रहे हैं कि धनबाद पुलिस पर उनका विश्वास नहीं है, मामले की जांच जो है सीबीआई या केंद्रीय जांच एजेंसी से करवाई जाए, क्योंकि अमन सिंह की हत्या के पीछे बड़ी साजिश रची गई है और झारखंड हाई कोर्ट ने भी इस बात पर टिप्पणी कर दी है कि जेल के भीतर हत्या का मतलब है कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, षड्यंत्र अमन की जुबान बंद करवाने का, षड्यंत्र करोड़ों रुपए के मनी ट्रांजैक्शन को छुपाने का, षड्यंत्र उसके साथ अपराध में इन्वॉल्व लोगों का उसके खिलाफ मुहिम छेड़ने का, षड्यंत्र अमन की प्रेम कहानियों को लेकर जो चर्चाएं चलती हैं उसको छुपाने का। बहरहाल मामला जो भी हो, पुलिस अपनी जांच कर रही है, देखना रोचक होगा कि भविष्य में इस मामले की जांच सीबीआई करती है या अवैध खनन से जुड़ा मामला होने के कारण कोयले के अवैध खनन पर अभी तक ईडी ने शिकंजा नहीं कसा है, कहीं अवैध खनन होने के कारण अब ईडी का नया टारगेट धनबाद न सेट हो जाए, यह भी देखना गंभीर होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।